काशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने पहुंचे अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ अर्नल्ड डिक्स। पिछले 9 दिनों से टनल की सुरंग में फंसे हैं 41 मजदूर। लगातार नई मशीनों की मदद से किया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। तो इस वक्त की एक ये बड़ी अपडेट आपको बताएं, उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए इंटरनेशनल एक्सपर्ट अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ अर्नल्ड डिक्स पहुंचे हुए हैं। पिछले 9 दिनों से टनल की सुरंग में 41 मजदूर फंसे हुए हैं जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। लगातार नई नई मशीनों की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और लगभग हर एंगल से कोशिश की जा रही है कि मदद पहुंचाई जा सके। Great work's being done, team of us here, and we're going to find the solution and we're going to get them out. A lot of work has been done, and it's really important that not only are the men rescued, but also the men that are rescuing are safe. The whole world is helping, and the team here are fantastic. The plans are looking fantastic going on, and it's very systematic. और हमारे तमाम सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट दे रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से हम हमारी सहयोगी प्रियंका का रुख कर लेंगे। प्रियंका, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है, अभी वहां पर क्या कुछ सिचुएशन है, क्या बता रहे हैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स? देखिए, अर्नल्ड डिक से भी हमारी भी बात हुई थी और उनका ये कहना था कि आज जो है वो ये देखिए, आपको मैं एक तस्वीर दिखाती हूँ, इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये पहाड़ की संरचना बाहर से कैसी नजर आ रही है। ये ऐसे पत्थर हैं, ये ऐसी मिट्टी है जो छूने से नीचे धरधरा कर गिर रहे हैं, और ऐसे में वो पॉइंट जिसको ड्रिलिंग के लिए फाइनल किया गया है, वो पॉइंट वहाँ पर सॉलिड पत्थर है जिनको बजा कर देखा गया, जिनसे मेटालिक वॉइस आ रही थी, और इसीलिए उस जगह को फाइनल किया गया है। तो अर्नल्ड ने ये भी जानकारी दी कि अभी ये जगह तो फाइनल कर ली गई है, लेकिन ऊपर ठोस पत्थरों के नीचे क्या है वो उसके लिए रिसर्च करनी है और उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, जिसके बाद क्या वो जगह मशीन के लिए उपयुक्त है, मशीन को रखने के लिए, और क्या वहां से ड्रिलिंग संभव है, ये तमाम चीजों का भी रिजल्ट अभी आने वाला है। एक हाई लेवल मीटिंग जो हर रोज होती है यहाँ पर, वो अभी शुरू हो चुकी है, जिसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ पीएमओ के अधिकारी और तमाम अलग अलग एजेंसियां जिन पे दारोमदार है, वो सब इस मीटिंग का हिस्सा है। जो भी इस वक्त किया जा सकता है वो सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाए, कोई संसाधनों की कमी है तो उन सबको पूरा करने की भी कोशिश की जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन उत्तरकाशी में टनल में 41 मजदूरों की जिंदगी इस वक्त फंसी हुई है। प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मजदूरों की जिंदगी बचाने में पूरी तरीके से जुटी हुई है। तकरीबन 4.5 किलोमीटर का ये सुरंग है और 200 मीटर की दूरी पर 41 मजदूर फंसे हुए हैं। अब तक 20 मीटर तक मलबा निकाला जा चुका है और भारी मशीनों की मदद से बाकी के 40 मीटर का मलबा हटाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। 900 mm की पाइप यहां पर डाली गई है और जिसके जरिए मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। इस वक्त स्थिति ये है कि जो संसाधन है उसकी भी कोई कमी न पड़ने पाए, ये पूरी कोशिश की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ अगर यहाँ पर पहुंच रहे तो आप सोचिए कितना हाई लेवल इस वक्त वहां पर सब कुछ चल रहा है। एक बार फिर से ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, सत्येंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, क्या उनसे बातचीत को लेकर कोई और अपडेट आपके पास निकल कर सामने आ पाया? क्योंकि जितनी बार भी पहले जानकारी मिली वो सुरक्षित अभी तक वहां पर है, उन पर जो जरूरत की चीजें वो भी समय पर पहुंचाई जा रही है। सत्येंद्र, बिल्कुल, आज हमारी जो परिजन हैं, जो टनल में फंसे जो लोग हैं, उनके परिजनों से जब हमने आज मॉर्निंग में जब बात की तो उनका कहना है कि उनसे उनकी बातचीत हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो धैर्य है वो धैर्य भी अब टूटने लगा है, क्योंकि 9 दिन का समय काफ़ी कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। एक टनल के एक छोटे से इलाके में 41 लोग फंसे हैं, तो उन लोगों का जब अपने परिजनों से बात की तो परिजनों के साथ सब उन्होंने एक ही चीज़ की मांग की कि जल्द से जल्द हमें बाहर आना है। तो वो चीज़ वो लम्हे भी हमने उनसे जब उन्होंने शेयर के तो कई जो परिजन जो बाहर थे उनके ऊपर भी वो भी आक्रोशित थे कि उनका साफ तौर पे कहना था कि अंदर हमारे लोग फंसे हैं और बाहर केवल मीटिंग का दौर चल रहा है, लोग सब बातचीत कर रहे हैं, लेकिन काम कहां पे ग्राउंड में हो रहा है इसको लेकर वो काफी चिंतित थे। अगर हम ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड में अभी जहां पे हम खड़े हैं यहां से वर्टिकल जो ड्रिलिंग होनी है, इसमें जिस तरीके से बताया जा रहा था कि आज शाम तक या कल सुबह तक यहां से ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन जब अभी हमारे SJVNL के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनसे हमारी बातचीत, उन्होंने जब हमें जो जानकारी दी उस जानकारी के अनुसार अभी जो मशीनें, जो बड़ी मशीनें आनी हैवी वेट की जो मशीनें हैं वो जो यहां पे पहुंचनी है वो गुजरात और उड़ीसा से अब निकली हैं, यानी कि आज शाम तक वहां से निकलेंगी और उसको यहां पहुंचने में कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम मिनिमम माना जा रहा है अगर वो वहां से 24 घंटे निकली, क्योंकि बड़े बड़े ट्रोले और ऑन रोड ट्रोलों में और रोड से वो आ रही है, इसलिए 2 से 3 दिन का टाइम माना
जा रहा है। और उनसे जब बातचीत भी हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि 3 दिन हमें मजदूरों तक पहुंचने में भी लगेगा, यहाँ से यानी कि जहां से जब ड्रिलिंग नीचे होगी तो उसके लिए भी 3 दिन का समय लगेगा। जी जी सत्येंद्र, लौटेंगे आपके पास, लेकिन जिस तरीके से वर्टिकल ड्रिलिंग की भी कोशिश की जा रही, खतरा इस बात का भी है कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर से धसाव शुरू हो जाए। लगातार हम इस बात पर भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सुनील का भी रुख करेंगे। सुनील, 20 मीटर तक का मलबा जो है वो हटाया जा चुका है, जबकि 60 मीटर तक का मलबा अभी भी बाकी है। चैलेंजेस जो हैं वो रेस्क्यू टीम के सामने बहुत ज्यादा हैं। देखिए, बिल्कुल चैलेंज है। जो 20 मीटर मलबा शुरुआती दौर में हटाया गया था वो दोबारा लगातार टनल के अंदर धसाव हो रहा है, वो फिर से वो गैप भर चुका है। करीब 70 मीटर के आसपास पूरे टनल के अंदर मलबा पसरा हुआ है। जो 22 मीटर जो 900 mm के डायामीटर के जो पाइप डाले गए थे उनके अलावा अभी उस पर कोई काम नहीं हुआ है, क्योंकि मलबा इतना पसरा है, अगर ऑगर मशीन वहाँ पर स्टार्ट की जाती है उसकी वाइब्रेशन इतनी ज़बरदस्त है, 1750 हॉर्स पावर की वो मशीन है कि टनल उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए टनल्स के अंदर वो जरूरी उपाय किए जा रहे हैं, फैब्रिकेटेड वॉल्स वहां पर बनाई जा रही है ताकि जो वाइब्रेशन ऑगर मशीन के शुरू होने से हो उसका कम से कम खतरा टनल पर न हो। ये भी खतरा हो सकता है कि वाइब्रेशन से टनल ही पूरी ढह जाए, तो इन तमाम मसलों को देखा जा रहा है। ऑगर मशीन का एक वैकल्पिक मशीन भी वहां पर रखी गई है, लेकिन जो 1750 हॉर्स पावर की अमेरिकन ऑगर मशीन है उसका अभी पुर्जा यहां पर नहीं पहुंचा है, उसका पुर्जा लाने की कोशिश की जा रही है। फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि कोई भी गलत कदम जो है वो तमाम जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्तराकाशी में सिलक्यारा टनल पर पहुंचे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ले रहे हैं। और लगातार कई बार उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली है। लगातार 2 घंटे से पूरी मॉनिटरिंग हुई है और सारे विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए चिंता है कि ये आपदा है, और आपदा देखिए किसी एक कारण उसका नहीं होता है, और उसमें सभी लोगों को, आप लोगों को भी, सब लोगों को सहयोग करना है। आप लोग लगातार कर भी रहे हैं, मैं आप लोगों की प्रशंसा भी करना चाहता हूं कि अधिकांश लोगों ने अभी तक किसी प्रकार का वो नहीं किया है। अब यही है स्थिति कि जैसा आपने बताया कि अभी हमारा एक तो अंदर जो लोग हैं उनका भी मनोबल बना रहे, उनके परिजन उनसे बात कर रहे हैं, और जो बाहर हैं उनकी भी हमें चिंता करनी है, वो सब चीज़ें कर रहे हैं। और हमारा सबका यही होना चाहिए कि अभी भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी ये जो हमारे सभी जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं 6 प्रकार के, उनमें से कोई भी रास्ता पहले से पहले सफल हो और वो लोग बाहर आए। और उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों तक एक पाइप के जरिए खाने की चीजें और पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। घबराहट और रोशनी न होने की वजह से मजदूरों की तबियत खराब न हो जाए, इसीलिए राहत बचाव की टीम दवाइयां भी मजदूरों तक पहुंचा रही है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें मजदूरों तक चना, ड्राई फ्रूट्स और मुरमुरे पहुंचाए जा रहे हैं। साथ ही अलग से एक मोटा पाइप ड्रिल करके लगाया जा रहा है ताकि मजदूरों का रेस्क्यू होने तक उनके पास खाना पहुंचाया जा सके। यानी कि एक जो पाइप है वो पहले ही वहां पर है, लेकिन दूसरी पाइप भी ड्रिल करके अंदर पहुंचाई जा रही है। शुरुआती दौर में मोटा अनाज वहां पे पहुंचाया जा रहा है, और मोटे अनाज के साथ साथ कहीं तबियत ना बिगड़ जाए, क्योंकि एटमॉस्फेयर सुरंग के अंदर उस वक्त कुछ और होगा, इसके मद्देनजर दवाइयों की भी व्यवस्था की गई है, जिसे अब पाइप के जरिए तमाम जो लोग वहां फंसे हैं, तमाम मजदूर हैं, उन तक पहुंचाया जा रहा है।